जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है, इस तरीके का जितना वर्क हम करते हैं वो पेन टूल से ही करते हैं। पेन टूल में हमें क्या करना है कि एक एक एरिया इसका बनाना है, जो आपका अलग अलग कलर्स यहाँ पे शो हो रहा है उसके लिए आप एक एक शेप बनाओगे, छोटा बड़ा जिस तरीके का भी है वो बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ इसका सबसे आसान जो पार्ट है उसको बना के देखता हूँ कैसे हो रहा है। ये जैसे पेन टूल यहाँ से लिया, अब हमने क्या किया कि एक क्लिक किया, पहला क्लिक करेंगे उसके बाद हमें माउस को छोड़ देना है। अब कुछ दूरी पे जैसे कि ये लाइन मुझे बनानी है, तो मेरा ध्यान इस कर्व के ऊपर रहेगा। मैं जो ड्रॉ ड्रॉ करूंगा, जो ट्रैक करूंगा, वो इतना ही कर्व मुझे चाहिए कि लाइन हमारा इसी के ऊपर में कॉपी होता चले। कोई ऐसी फिगर होती है फोटो की जिसमें पेंसिल के ऊपर उसको चलाना होता है, तो आपको उसी लाइन के ऊपर में चलाना होता है, उसी तरीके से इसको भी चलाना है। जैसे कि अब मैं दूसरा क्लिक इधर करके और इसको खींचूंगा। अब देखिए खींचने का भी एक कहीं ना कहीं साइज फिक्स होगा कि जैसे ही आप यहाँ तक इसको रखोगे ये कर्व बना देगा। तो ये एक हमारा कर्व अभी बन चुका है। जब एक कर्व आपका बन जाता है, रेडी हो जाता है, तो अब क्या करते हो आप कि जहाँ पे पहले क्लिक किया था, देखो जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ पे ये स्क्वायर में बॉक्स बनाता है और हैंडल्स जो होते हैं उसके सर्कल में रहते हैं। तो जो हमारा ये स्क्वायर वाला है इसके ऊपर में ऑल्ट के साथ ऑल्ट दबा के रखना है और इस पर क्लिक करना है एक बार, जिससे कि अगला हैंडल इसका ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस पर कहीं पे क्लिक करेंगे और कर्व करेंगे इसको। तो अब हमारा यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हुआ। फिर ऑल्ट दबा के रखना है, इस पर एक बार क्लिक करना है, फिर एक बार ऐसे फिर से ऑल्ट के साथ क्लिक। और फिर लास्ट में इसको इसके साथ क्लिक करके जोड़ देना है। तो जब ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है। पाथ दो तरह से होता है, एक क्लोज पाथ होता है और एक ओपन पाथ होता है। ओपन पाथ का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको बनाते बनाते आते और यहीं छोड़ देते या यहाँ छोड़ देते तो ये ओपन रह जाता। तो इसको क्लोज करना होता है। क्लोज जब हमने पूरा कर दिया है तब हमारे पास क्या करना है कि एक आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारे को एक सिलेक्शन दे देगा, जो हमने पाथ बनाया था उतना ही दूर का एक सिलेक्शन दे देगा। सिलेक्शन मिलने के बाद हमें एक लेयर क्रिएट करना है। ये ब्लैंक लेयर बन चुका है यहाँ पे। इसके बाद इसमें हम कोई भी कलर फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दो कलर्स है हमारे पास, रेड कलर, कोई कलर ले लेते हैं। और ऑल्ट बैकस्पेस कीबोर्ड से करना है, ऑल्ट और बैक स्पेस एक साथ में, ये यहाँ पे कलर फील हो जाएगा। कलर फील हो जाएगा उसके बाद आपको करना है कंट्रोल प्लस डी। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि पेन टूल हम यहाँ से लेते हैं, किसी भी तरीके का हम कोई भी एक पाथ क्रिएट करते हैं, जैसा भी पाथ चाहिए हमें, हम उसको पॉली इस तरीके से सिंपल लाइंस में रख सकते हैं और हम चाहें तो इसको क्लिक करके कर्व बना सकते हैं, ऑल्ट के साथ इसको बीच से ब्रेक कर सकते हैं। जो भी हमारा कर्व होगा या जो भी हमारे कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स का मतलब है कि जहाँ पे एंगल्स डिटेक्ट हो सकते हैं कि ये कितना एंगल है, लेकिन कर्व में हमारा एंगल्स नहीं होता है। इसको पाथ जो ये अभी पाथ है, पाथ को हमें कन्वर्ट करना होता है सिलेक्शन के अंदर में। उसके लिए हमारे पास शॉर्ट कमांड होता है कंट्रोल प्लस एंटर। एंटर की और कंट्रोल की एक साथ दबाते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमें एक लेयर बनाना होता है, क्योंकि लेयर हमें हमेशा बनाना होगा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और अब हमारे पास जो भी कलर है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर हमारा ये वाला रेड जैसा है और बैकग्राउंड कलर हमारा ये है। तो अगर बैकग्राउंड कलर को हमें इसके अंदर में फील करना है तो कंट्रोल और दबा के और बैकस्पेस दबाएंगे। अगर ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर फील करना है तो ऑल्ट दबा के बैकस्पेस कर देंगे, ये इसके अंदर में फील हो जाएगा। जब फील हो जाता है तो ये सिलेक्शन जो बार बार चल रहा है इसको हमें हटाना है, देखना है कि हमारा कैसा फील हुआ है। उसके लिए डीसेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर में डीसेलेक्ट का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल डी से ये डीसेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल,
पूरा आपका कैनवास यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है, इसको डीसेलेक्ट कर सकते हो, फिर से रीसेलेक्ट करना है जो हमने डीसेलेक्ट किया था उसको रीसेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। तो ये सब अभी आगे भी आएगा ऑप्शन, लेकिन ये बेसिक्स का है इसका, पेन टूल का। तो पेन टूल आप और इसको यूज़ करना, कोई इमेजेस के ऊपर में यूज़ करना। मैं यही वाली इमेज आपको भेज दूँगा, इसी को ट्राई करना एक बार बनाने के लिए बेसिक है। तो इसमें ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट भी मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि कैसे उसको एंकर्स को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। और एक हमारा ऑप्शन यहाँ पे होता है फ्री फॉर्म पेन टूल का। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हम माउस को अपने तरीके से चलाते हैं, कहीं क्लिक नहीं करना है, इसको होल्ड करके एक बार क्लिक करके बस इसको इस तरीके से चलाना है और ये पूरा पाथ बना लेता है फ्री तरीके से। तो ये हमारा फ्री फॉर्म पेन टूल है, फ्रीली काम करता है, बाकी का प्रोसेस सेम है, कंट्रोल एंटर का, कलर फिल करने का, लेयर बनाने का। कर्वेचर टूल देखिए, नाम पहले तो आप किसी के भी नाम को बहुत ध्यान से पढ़ो। पेन टूल, पेन टूल का जो हमने बेसिक पेन टूल यूज किया, ये सारे सॉफ्टवेयर में सेम है। अब आता है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये नए टूल्स हैं, ये पहले के टूल्स नहीं थे। ये दोनों टूल्स जो हमारा ये अभी पिछला दो वर्जन है इसी में ऐड हुआ है, इसके पहले के वर्जन में नहीं है। CS6 जो आप कह रहे थे उसमें ये नहीं मिलेगा। तो फ्री फॉर्म पेन टूल जो रहता है ये किसी भी तरीके से, जैसे कि एकदम फ्री फॉर्म तरीके से जो हम पेन को कॉपी पे चलाते हैं एकदम, तो ऐसे ऐसे करके ये इस तरीके से बना देते हैं, कोई ऐसी चीज जो बनानी है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है, आप किसी भी तरीके के कुछ भी फ्लो में बना देते हो। जब भी हम कुछ इस तरीके का काम करते हैं तो हमारे को उसमें कंट्रोल चाहिए कि भाई हमें इतना ही एरिया पे इसको बनाना है। तो उसके लिए आपको ये सबसे पावरफुल टूल है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें फ्री फॉर्म की जरूरत हो सकती है, तो वहाँ पे हम इसका काम कर लेते हैं। तब आता है हमारा कर्वेचर का। कर्वेचर क्या करता है कि किसी भी जगह पे कर्व बनाना, जैसे कि मैंने पहले तो इसको डिलीट कर देंगे एक्टिव। अब फ्रेशली हम क्या करते हैं, कहीं पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ठीक है, तीसरा क्लिक किया, अब देखो कर्व बनाया। पेन टूल से क्या हो रहा था, हम क्लिक कर रहे थे तो वो कॉर्नर्स बना रहा था, लेकिन ये हमारा कर्व बनाता हुआ चलता है। कर्व का मतलब सिंपल क्या होता है कि ये स्मूथ लाइंस चलती हैं ऐसे। ये ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पॉइंटेड नुकीला सा वो लाइन बनेगा, वो भी बन सकता है अगर आप डबल क्लिक करते रहोगे इसी के साथ। जब तक आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, या ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे, तो ये नॉर्मल पेन टूल की तरह सीधा सीधा लाइन बनाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, वो ये आपसे फिर राउंड करने लगता है, कर्व बनाने लगेगा साथ। जैसे यहाँ आके जोड़ दिया, ये इधर से कर्व बनता हुआ आया सारा। यहाँ आने के बाद मैंने डबल क्लिक करना स्टार्ट किया था, या तो डबल क्लिक कर देंगे, ये सिंगल क्लिक होता है, एक एक बार दबाते हैं माउस को, एक ही साथ डबल क्लिक करना है, या ऑल्ट दबा के भी क्लिक करना होता है। तो एक एक ही पाथ के अंदर में, कंप्लीट पाथ में, ये कहीं पे हम ऐसा ही बना सकते हैं, कहीं पे हम कर्व भी बना सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको प्रेस ये सब डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से पाथ्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो एकदम ब्लैंक है, इस पर सबसे पहले कोई कलर ले लेते हैं। कलर अब जैसे कि ये वाला कलर जो है फोरग्राउंड कलर, ये मुझे पूरे बैकग्राउंड पे लाना है, पूरा व्हाइट की जगह पे कोई एक कलर इसमें से कर देना है। तो अगेन वही काम करेंगे हम, ऑल्ट के साथ बैकस्पेस दबाएंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा कलर इसके अंदर में फिल हो जाएगा। कंट्रोल बैकस्पेस से ब्लू वाला होगा, तो मैं ये वाला कलर अभी कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ कि कर्वेचर टूल का जो है, अब इसमें जो सिलेक्शन हमने ये बना दिया, एक नया लेयर बना लेते हैं, कोई भी कलर हम रखते हैं एंड इसमें फील कर देते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं कर्वेचर टूल पे अपने, अब इसको कंट्रोल एंटर, एक और लेयर बनाते हैं और इसको दूसरा कलर देते हैं।
आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी तरीके से करनी है। इसमें टाइम देना है, जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा इसको समझोगे, उतना ही आएगा। और दिमाग ये लगाना है कि हम क्या क्या चीजें इसमें से बना सकते हैं। कलर्स, मेरे ये करने का रीजन क्या है कि मैं कलर्स भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रास्ट वाइज हम कलर रखते हैं जो हमारे को कूल होगा। जैसे कि अगर मैं देखो कलर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, मैं अभी आपको पहले ये बना लेता हूँ, या ये तीन ही तीनों पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा। अभी ये तीन कलर हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों कलर को, अभी आप देखो ये जो दिख रहा है, एक ये वाला रेड है, ये रेड है नहीं एक्चुअली, बहुत लाइट रेड है। फिर उसी तरीके से हमने ऑफ कलर्स लिया है, ये कूल कलर्स होते हैं जो आपकी आंखों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिटेंट करते हैं। अब आते हैं कि हम इसके ऊपर में अगर कुछ ये कलर्स लगा दें, जैसे कि इसका कलर मैंने बदल दिया, ठीक है। फिर ये वाला लेयर है हमारा, इसको भी मैंने यहाँ से लिया और इसको जैसे कि कुछ ये हार्ड मैरून कलर दे दिया, ये कलर हो गया। अब इसको मैंने अगर यहाँ से कुछ ये कलर दे दिया, तो ये देखो इसको ये डरावना हो जाता है थोड़ा सा, हॉरर कलर्स बोलते हैं इसको। ये अजीब तरीके का पैनिक पैनिकनेस दिखता है, जो कूलनेस, जो कामनेस जो दिख रही थी ना, अब ये कलर और ये कलर को देख रहे हो, ये क्या करेगा, इसके ऊपर नजर ही नहीं जाने देगा। सबसे पहला नजर अट्रैक्ट कर लेगा ये वाला, कहेगा मुझे देखो बस। इससे छूटेगा तो ये आ जाएगा, इससे कहीं छूटेगा तो ये आएगा। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे किसी ने कुछ टेक्स्ट अगर लिखा हुआ होता तो वो कभी पढ़ ही नहीं पाता, वो बार बार यहीं पर अटक जाता। तो ये चीज हमें, कलर्स जो है पूरे डिजाइन का जो होता है बैकबोन होता है, वो होता है कलर्स। अब डिजाइन कुछ भी बनाओ, ये मैं जो बना रहा हूँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें देखो आंखों को अब कितना कूल लगेगा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो तीनों कलर इक्वली आ रहे हैं एक सर्फेस के ऊपर में। जितना जिसको अटेंशन की जरूरत है उतना ही अटेंशन वो लेगा, उतना ही अटेंशन देगा। अब फिर से मैं एक यहाँ पे कुछ और शेप्स कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है कि सिमलेस डिजाइन्स होते हैं जो कंटिन्यूटी में ऐसे डिजाइन्स चलते हैं, कहीं पे टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट होते हैं, कुछ भी कहीं डिजाइन्स में प्रिंट हो रहे हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं। अब इसे कंट्रोल एंटर किया, एक लेयर क्रिएट किया। अब देखो आपको अगर कोई कहता है कि ग्रे में कलर फील करना है, अब आपने अगर ब्लैक जो है पूरा यहाँ पे ये कलर फील किया, तो ये देखो फिर से ये क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इन तीनों से ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए फिर से बार बार अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। या अगर ग्रे में हमारा एक व्हाइट भी आता है, अगर मैं डायरेक्टली व्हाइट लगा दूं तो ये भी इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप देख रहे हो तुरंत अटेंशन आपका शिफ्ट कर लेगा ये खुद पे। तो जो जिस तरीके के कलर्स का टोन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उसी तरीके के कलर का टोन हमें लेके चल रहा है। जैसे कि अब ग्रे में भी आपको जो देना है वो कुछ इस तरीके का ग्रे देना है, इस लाइन के बीच में रखते हुए, कि जिससे कि ये कुछ अलग से ना हो, लगभग इन्हीं के ग्रुप में आ जाए, इन्हीं के बिरादरी में उस शामिल हो जाए। एक हमारा ये बन गया, और कंट्रोल एंटर एंड अब जैसे कि सपोज हमें अगर ग्रीन के शेड में कुछ रखना है, जैसे ग्रीन है जैसे, तो हमें ग्रीन और सियान कलर, सियान ये वाला कलर है आपका, इनके कहीं बीच में रखना है कि जहां से ग्रीन बनना स्टार्ट होता है उसमें से आपको इस तरीके का ग्रीन लेना है। देखो ये ग्रीन जो बन रहा है वो, ये ग्रीन जो है इधर नीचे ग्रीन में बहुत अंतर रहेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का कलर लेना है जो यहाँ के डिजाइन को और डिजाइन को भी सपोर्ट करेगी, जैसे कि ये कलर। तो अभी नॉर्मल नॉर्मल एक ही तरीके का होगा जो भी कलर है आपका, तो इस तरीके को कुछ पैटर्न्स हम बना सकते हैं। इन ये बनाने का लॉजिक बहुत सारा होता है, जैसे कि अगर हमने ये बनाया, अभी खैर आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक फिल्टर लगाऊंगा, अभी दिखाऊंगा बस कि इसका यूज क्या है, फिल्टर्स बाद में आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये सारा मैंने एक लेयर पे रखा होता कुछ ऐसा दिखता, और इसको मैं यहाँ से फिल्टर में जाके अगर मैं इसको ब्लर कर देता, हमारा जो जो बैकग्राउंड बनता वो कुछ इस तरीके का बनता, क्योंकि हम तो अभी एक कलर को ही फील कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास इस तरीके से करें तो थोड़ा सा
जो बैकग्राउंड बनेगा लिखने के लिए, देखो कैसे कलर्स का फ्लो बन रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ जो कलर है वो कलर ब्लर हुआ है, पहले हमारा एकदम प्लेन तरीके का था, अभी ये कलरफुल हो जाएगा। तो इन सब काम के लिए भी हम इन तरीके का कुछ कुछ शेप्स बनाते हैं, कुछ डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो कर्वेचर का ये वाला यूज हो गया, एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट मैं बता चुका हूँ, जैसे एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमने कोई भी टूल इसमें से चलाया, सपोज कि हमने जैसे कि पहले पेन टूल लेता हूँ मैं, पेन टूल से बना, इस पर मैंने ऐड किया फोर नोट्स, फोर पॉइंट्स मेरे पास थे, मैंने फोर पॉइंट्स और ऐड कर दिए इसके अंदर में। फोर पॉइंट्स ऐड करने का लॉजिक क्या है कि जब मैं चाहूँ कि इसको मूव करूँ किसी को, तो यहाँ से मैं मूव कर सकूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे हमारे पास है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्टली इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम कहीं पर भी मूव कर देंगे, या इनसाइड कर देंगे या आउटसाइड कर देंगे, इसको मूव करके ऐसे कर देंगे। तो किसी शेप को बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा शेप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एड एंकर पॉइंट टूल प्लस डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, जो कि आपके पेन टूल के सबसे नीचे आता है। कन्वर्ट पॉइंट टूल का क्या काम होता है कि देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, टोटल 8 पॉइंट्स अभी इसमें शेप्स के अंदर में है। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करेगा कि जैसे कि हमारा यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर का मतलब यहाँ पे कोन बनेगा ये वाला, यहाँ पे राउंडनेस नहीं है, जहाँ पे इस तरीके से दो डायमेंशन अलग अलग हाइट और विड्थ आके मिलता है, ज्वाइंट होता है, उसको हम कॉर्नर बोलते हैं। जैसे घर में होता है ना कि चार कोना होता है, तो आप बोलते हो कि उस कोने में ये है, इस कोने में ये रखा हुआ, उसी तरीके से कॉर्नर का मतलब ही कोना होता है। लेकिन एक गोल रूम हो, कोई गोल कमरा हो एकदम, तो उसमें कॉर्नर का सवाल ही नहीं आता, वो स्मूथनेस होती है। तो यहाँ पे हमें स्मूथनेस ऐड करना है। कन्वर्ट पॉइंट टूल इसका नाम है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, पॉइंट्स को कन्वर्ट करता है। अगर पॉइंट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, पॉइंट दो ही तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉर्नर मतलब कोना, इसको ये क्या करेगा, राउंड कर देगा। जब हम उसी पे क्लिक करके, इधर उधर क्लिक नहीं करना है, एकदम उसी के ऊपर में क्लिक करना है। ये जैसे ही हम उस पर लेके जाएंगे, देखिए ये अभी एरो बन के आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लेके जाओगे ये एक एंगल बना लेता है, इसको पता चल गया कि ये कॉर्नर पे हम आ गए हैं। बाहर कहीं पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, दूसरा कुछ कहीं सेलेक्ट डी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही उस पर लेके आएंगे, ये कॉर्नर आया, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से कॉर्नर बना लेंगे, जैसे इसको इधर से जैसे भी कॉर्नर बनाना है, इसको पूरा फ्री कर देता है ये इस तरीके से, इधर से किसी भी तरीके का हमारा ये आराम से फ्रीली बनता है। ये एक काम हुआ कि जब हम कॉर्नर्स को कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। एक दूसरा काम हमारा होता है जिसमें कि हम इसी टूल से सारे कॉर्नर्स को सारे कर्व्स को कॉर्नर में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि देखिए, कर्व बनाने के लिए तो हमें क्या करना है कि इसको क्लिक करके और ड्रैग करना था, कितना कर्व चाहिए ये भी हमें उसको बताना पड़ेगा। तो जैसे इतना कर्व हो सकता है, इतना हो सकता है, तो हम ड्रैगिंग करते हैं। लेकिन कर्व को कॉर्नर में करने के लिए कोई ये ड्रैग नहीं करना, बस इसके ऊपर में जाके क्लिक कर देना। तो क्या करेगा, वहाँ का सारा कर्व खत्म कर देगा, एकदम कॉर्नर बना देगा, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा जैसा था पहले एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बेसिक्स शेप्स किए हुए थे, बेसिक शेप्स में हमारे पास ये सारे शेप्स आते थे, जिसमें से कि एक हमारा शेप एलिप्स भी आता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक एलिप्स बनाया, एलिप्स जब हमने बना दिया और इसका हमें स्ट्रोक हटा देते हैं, सिर्फ फील कलर इसका रखता हूँ। एलिप्स तो हमारा बना ऐसा है, लेकिन है तो ये सर्कल ही, सर्कल के ही फील्ड में है। जैसे कि मान लो कि जैसे ही हम ये ऐसे ड्रैग करके बनाते हैं, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि चार पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये चार पॉइंट इसमें भी होंगे, चार पॉइंट इसमें भी होंगे, और जितना मर्जी हम एलिप्स या सर्कल कैसा भी बनाएं, ये जरूर इसमें रहता है।
अब बात आती है कि ये एलिप्स क्यों है, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम बात करें इनके पॉइंट्स पे क्लिक करके, तो ये सारे पॉइंट में कर्व है। अगर कॉर्नर होता तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होता है। तो जैसे मुझे इसके कॉर्नर्स में कन्वर्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर देना है, ये देखो, इस पर क्लिक कर देना है, तो ये देखो, ये इस तरीके का शेप बना है। दूसरे वाले पे मैं चारों को कर देता हूँ, तो ये दूसरा टाइप का शेप बना देगा। इसको करने से तो ये रहा, लेकिन जैसे इसको मैं करूँगा तो ये सीधी लाइन बनाएगा यहाँ से दोनों साइड से। तो हम अपने सारे शेप्स को इस तरीके से बैंड कर सकते हैं, इस तरीके से हमें उनको मॉड्यूल्स उनके अलग अलग मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टूल होता है जो आपके पूरा वेक्टर को कंट्रोल करता है। इसमें से मुझे नीचे तो इतना चाहिए था, ठीक है, ऊपर से इतना ही चाहिए, ये ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, बस ये लाइन यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, फिर ये आई यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अब हमें इसमें एंकर पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँ और कोशिश करूँ कि इसको मूव करके यहाँ कर दूँ, तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारा वो काम नहीं होगा जो काम हमें चाहिए। हमें चाहिए कि ये यहाँ से जा रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है, ये भी यहाँ से लाइन यहाँ ऐसे हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसी के सामने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, तो हमने ये अभी पॉइंट बना दिया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जाते हैं, ये वाला पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको नीचे मूव करते हैं, नीचे नीचे जब मूव कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि ये कर्व हमें हो गया है। इसके लिए हमें एक बार इसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि कर्व आप मत रहो, और इनको भी कर देना है, कोई कर्व नहीं रहेगा। और अब इसको मैं ऐसे नीचे लेके आता हूँ, ये मेरा सीधा सीधा लाइन हो गया, थोड़ा सा नीचे इसको सेट कर देते हैं, और जितना भी है इनको बराबर में ऐसे सेट कर देना है। तो हमारा उस तरीके से ये कट हो गया इधर में। तो इसी तरीके से जोड़ घटाव करके जो भी शेप्स हम क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक सर्कल लगाना है जो हम पेन का निब होता है, निब की तरह, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे कुछ ऐसा। उसके बाद हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं, तो खैर डिलीट तो नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में एक बॉक्स बनाते हैं। अब हम यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल से इस पे ऐसा बनाते हैं, और ये जो बनाया हुआ है ये ग्रीन कलर से अभी ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर नहीं रखना है, आपको कौन सा कलर रखना है जो आपका बैकग्राउंड का कलर है, और इसका स्ट्रोक कलर हटा देना है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कटा हुआ है, लेकिन कटा हुआ है नहीं, ये एक्चुअली में एक बॉक्स है, ये कुछ ऐसा जो जस्ट उसी के ऊपर में आ रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कटा हुआ है। इस तरीके से फिर इसको अगर नीचे के तरफ में करना है, कोई शेप बनाना है, यहाँ पर कोई सर्कल लगाना है, जैसे कि इधर में कटा हुआ सा दिखाना है, तो एक बॉक्स बना देंगे ऐसे, तो वो लगेगा कि यहाँ से कटा हुआ है। ये सारा वर्क हम अपने शेप्स से कर सकते हैं। तो एक तो आपका अब ये रहा है कि इसमें से जितने भी आपके पास जो शेप्स हैं, खासकर सर्कल और रेक्टेंगल, इनका बहुत ज्यादा यूज है, 70-80% जो शेप्स बनते हैं वो इन्हीं दोनों से बनते हैं। तो इस तरीके का कोई भी बेसिक शेप आपको मिलता है वो आपको यूज करना है। प्लस मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूंगा जो अभी ये मुर्गे वाली इमेज थी उसको, और उसके ऊपर में आप पेन टूल से उसको कोशिश करना है कि उसको बनाना है, और जो प्रॉब्लम आएगी उसको अगले क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।